उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटियों की सुरक्षा के लाख दावे करते हो, लेकिन सारे दावे नाकाम साबित होते हुए आजमगढ़ के दबंग ना तो उन्हें शासन का डर है ना प्रशासन का। जहां हाथरस की घटना को बीते अभी एक दिन भी नहीं हुए, वहीं आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 16 वर्षीय किशोरी का किशोरी की माँ के सामने ही अपहरण कर लिया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि किशोरी अपने माता पिता के साथ जहानागंज थाना क्षेत्र में अपने ननियाल में रह रही थी, वही करीब रात 9 बजे कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। किशोरी की मां ने थाने में नामजद तहरीर दी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम आपका? क्या नाम है? गीता। क्या मामला है, यहाँ आई हैं आप? हम अपने साहब अपने लड़की खोजने के लिए आए, खोजा साहब हमारे लड़की के लेके 9 बजे रात के लोगों ने लेके भाग गए, संतोष कल्लू और के गोविंदा जोगी। अभी तक लड़की पता चलल कुछ नहीं? और राजिंदर तू उठा तू पीछा कह लू तो हमला भी की ना हमके मरना लोन पिटना लोन हमके ना छू पकड़ पाऊनी हम। कौन चीज़ से भागने लोग लेके कुछ गलोरों से का चाह तो? हम अपने लड़की को चाहते हैं शायद कि उनको पकड़ के लिए हमारे लड़की को सामने कर थाने में गए ले लुआ। हाँ कहाँ भरा थाने तो हमने सुनवाई ना। ठीक अभी पीड़ित पेश हुई क्या मामला? आज ये पीड़ित की माँ मेरे समक्ष पेश हुई थी जनसुनवाई में, और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की को नाबालिग लड़की को कोई पका के ले गया है, उठा के ले गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है, और मुकदमा पंजीकृत कर इसमें SHO को निर्देश दिए गए हैं कि वो लड़की की बरामदगी करें और अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ माफियाओं का सर इसमें हाथ? देखिए अब ये तो प्रार्थना पत्र स्पष्ट नहीं है कि माफियाओं का हाथ है नहीं है, स्पष्ट लड़की के जाने का मामला है और 363/66 का मामला है, और उस पर नामजद FIR होगी और कार्रवाई। ठीक है।